नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर खगड़िया से सामने आ रही है, जहां जदयू नेता को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला है और उनकी मौत हो गई है। जी हां, नरेश राम है जो जदयू के नेता है, उनकी मौत हो गई है। अपराधियों ने गोलियों से भून डाला है जदयू नेता को। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले जदयू के बेलदौर प्रखंड के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेश राम को पीडब्ल्यूडी रोड पर अपराधियों ने घेरकर गोली मार दी। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पीडब्ल्यूडी रोड बेलदौर भगवती स्थान के पास लोगों की भीड़ जुट गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी रोड को बैरिकेडिंग कर जाम कर दिया है और टायर जलाकर आगजनी करने लगे हैं, जिस कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। लोगों का कहना है कि जब तक घटनास्थल पर वरीय पदाधिकारी नहीं आते हैं, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ देर बाद वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया है। गोगरी एसडीपीओ पीके झा ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और जो अपराधी हैं उनका मनोबल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कानून व्यवस्था पर ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बता दें कि पिछले दिनों भी तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई थी, गोपालगंज से, खगड़िया जिले से, इस तरह की आपराधिक घटनाओं की जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आई, जहां अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। एक बार फिर से खगड़िया से एक बड़ी खबर आई है, जहां जदयू के जो नेता है नरेश राम, उन्हें अपराधियों ने गोलियों से भून डाला है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।